हे दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह यूसी ब्लॉगर हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स यूसी न्यूज़ पे लिखना चाहते हैं, ज़्यादा व्यूज़ लाना चाहते हैं, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आपको डेली यूसी न्यूज़ पे पोस्ट लिखने के लिए आपको टॉपिक नहीं मिल रहा, या फिर आप बैठे बिठाए चाहते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यूसी न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाना, अर्निंग करना, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताया हूँ जिसके मदद से सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिकल लिख पाओगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। जी हाँ गाइस, और वैसे तो कॉपी पेस्ट करके लिखने का बहुत सारा तरीका है, मेरे पास 3-4 तरीके हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे तरीके हैं उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा। और यार कसम से गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूसी न्यूज़ पे पोस्ट लिखने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप, मैं गारंटी देता हूँ इसके, ये वीडियो देखने के बाद आप डेली 5 मिनट के अंदर यार एक अच्छी पोस्ट लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। You should pull the fucking trigger. दोस्तों ये तरीका है गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके आर्टिकल लिखना। दोस्तों मैं जो आपको अभी तरीका बता रहा हूँ उसमें आप गुजराती, मराठी, ओडिया, पंजाबी, नेपाली, कोई भी लैंग्वेज हो उसका आप ट्रांसलेट वर्जन लिखा सकते हो। आपके जो भी चैनल पे आप जो भी लैंग्वेज में पोस्ट डालते हो उसमें आपका उसका कन्वर्ट करके आप उस लैंग्वेज में लिख के आप डाल सकते हो, और ये सिर्फ आप कर पाओगे सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर। और इसके लिए आपको ओपन करना है यूसी न्यूज़ ऐप को, या फिर आप ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो, आपका जो मन वो यूज़ कर सकते हो। अब यूसी न्यूज़ ऐप ओपन करने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आपको ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाएगी, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह, पंजाबी, यार बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे। अब करना क्या है, आप कि जो भी लैंग्वेज का आपका ट्रांसलेट वर्जन निकालना चाहते हो आपको सिर्फ उस लैंग्वेज पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गुजराती पे क्लिक कर लेता हूँ, और गुजराती पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सारा का सारा पोस्ट गुजराती में आ गया है यहाँ पे। तो यहीं से अब मेरा काम स्टार्ट होता है गाइज। तो यहाँ पे आपका जो भी चैनल है, ठीक है, जैसे कि आप अटैक पे डालते हो, मनोरंजन पे डालते हो, लाइफ स्टाइल पे डालते हो, जैसा भी डालते हो, आपको वहाँ पे चले जाना है, उस कैटेगरी में चले जाना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मनोरंजन पे चले जाता हूँ, ठीक है, एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे आपको जो पोस्ट सबसे अच्छे लगे आपके अकॉर्डिंग है, या फिर जो अच्छे चैनल है उसे आप फॉलो कर सकते हो, या फिर कुछ अच्छे पोस्ट को ले सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैं एक पोस्ट ले लेता हूँ, जहाँ से यहाँ पे ये देख सकते हो GSTV इंडिया ने डाल रहा है, और यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसका ट्रांसलेट वर्जन निकालना है। आपको सिर्फ यहाँ पे टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है सारा। वैसे टाइटल छोड़ो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दूँ, वरना फालतू में वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक है वर्ड, और इसे मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ और ट्रांसलेटर में जाके इसे मैं चेंज करूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं अब ट्रांसलेटर में आ जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर। वैसे तो आप गूगल ट्रांसलेटर का ऐप यूज़ कर सकते हो, या फिर googletranslator.com पे भी जाके आप ऐसा कर सकते हो। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पे लैंग्वेज में गुजराती डाल दिया, और जो मुझे कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो बस यहाँ पे गुजराती में जो भी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है उसे डालना है। और जैसे ही डालने के बाद आप जैसे एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे देख सकते हो आपका आ गया है सामने उसका ट्रांसलेट होके। और इसके बाद आपको सिर्फ ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेना, यहाँ से जो कॉपी का सीन है, यहाँ से सिर्फ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। उसके आपको जाना है यूसी न्यूज़ पोस्ट, जहाँ पे आप लिखते हैं वहाँ पे जाना है, और इसे सिर्फ पेस्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आर्टिकल का ट्रांसलेट होके तैयार हो गया है गुजराती से हिंदी में। ऐसा आप मराठी के साथ भी कर सकते हो, नेपाली वगैरह वगैरह, जिस भी लैंग्वेज का आप ट्रांसलेट वर्जन निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। उसके बाद आपको बाकी का भी इसी तरह से आपको करना है। और ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसके साथ आप कोई भी ले लो, आप कुछ किसी भी आर्टिकल का आप ट्रांसलेट वर्जन निकाल सकते हो। जैसे अब मैं इसका कर लेता हूँ कुछ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। आप इस तरह से जितना भी आपका जिसका भी ट्रांसलेट वर्जन निकालना चाहते हो उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉरी, मुझे जाना है गूगल ट्रांसलेटर में, और वहाँ पे मैं फिर से इसे ट्रांसलेट करने वाला हूँ गुजराती को,
ओके तो यहाँ से कट पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे बस वो टेस्ट को डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आगे की ओर आप देख सकते हो उसका ट्रांसलेट वर्जन निकल चुका है और इसे सिर्फ कॉपी करना है और आपका जहाँ दोस्तों, और उसके बाद वापस से आपको न्यू आर्टिकल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये आर्टिकल का सेकंड पार्ट आ गया है। वैसे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट नहीं था, मैं किसी और आर्टिकल में से कॉपी किया था, आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो और उसका जो इमेज है वहाँ से आप सेव करके यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो, मतलब सेम जो भी आर्टिकल आपका जो गुजराती में था उसका ट्रांसलेट वर्जन निकाल के आप हिंदी में डाल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ज़्यादा व्यूज आते होंगे उस आर्टिकल पे और जैसा भी आर्टिकल हो उसका आप ट्रांसलेट वर्जन निकाल सकते हो इससे। और रही बात टाइटल की, तो यार टाइटल आप सीधे सीधे ट्रांसलेट मत करना, आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार गूगल ट्रांसलेटर 100% आपका पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको लगता है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ जैसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जैसे टाइगर जिम लिया है ऐसा लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ठीक कर लेना कुछ। टाइगर जिंदा है, उसके बाद स्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ कुछ पहले चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो है आपको अजीब लगेंगे, तो क्योंकि 100% तो कर नहीं पाता है ट्रांसलेट, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। बीच बीच में कुछ होगा गलत तो उसे आपको बस देख लेना है, एक बार चेंज कर देना है, ज़्यादा नहीं होगा वो भी, आपको चेंज करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट अगर इस तरीके को यूज़ करते हो तो सबसे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको पोस्ट डेली कहाँ से लाना है, कहाँ से लिखना है, ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले गायब हो जाएगी। उसके बाद आपका पोस्ट सस्पेंड होता था, जैसे कि कोई हाइपर टेक्स्ट वगैरह वगैरह कुछ फॉन्ट मिसिंग ऐसा वैसा करके आपका जो भी टेक्स्ट पोस्ट सस्पेंड होता था वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेली ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई वहाँ पे आप जिस साइट को फॉलो करेंगे आपको वो लोग खुद ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डालते हैं, तो आपको भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे और कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज किस टॉपिक पे न्यूज़ लिखूं। आपको बस मैं तो वैसे गुजराती के लिए किया, वैसे आप मराठी के लिए कर सकते हो, भोजपुरी का कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो, वैसे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा सभी लोग करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, आपको गुजराती वगैरह वगैरह उड़ीसा ये सब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो और जो लोग इतना भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, वो उन्हें मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो में ऐसा लाऊंगा सिर्फ 2 मिनट में आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और आप आर्टिकल लिख पाओगे, वो भी बहुत झक्कास बेहतरीन आर्टिकल लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम मिली हो या फिर आप चाहते हैं मुझसे बात करना और यूसी न्यूज़ के बारे में और कुछ जानना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आ सकते हो और मैं आपसे बातें करूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप अगर आपको बातें करनी है तो आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं हमेशा फ्री हूँ आपके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, और नीचे बता देना यार इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुई, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।